children how are you I hope you all are doing good children now we are going to read story so it's story time the elephant and the tailor in a small town there lived a tailor tailor Darji he was not a kind man in the same town There was a man who had an elephant called Appu. वही उसी टाउन में कौन रहता था एक आदमी जिसका एलिफेंट था उसका नाम क्या था Appu एक एलिफेंट था, उनके पास, उसका नाम रखा था? People would offer bananas to Appu, who loved to eat them. Children used to ride Appu and play with him. Appu was a gentle animal. Appu बहुत जेंटल एनिमल था बच्चे उसके साथ उसकी राइड किया करते थे और लोग उसको बनाना ऑफर करते थे जिस, जिसको वो पसंद भी करता था द टेलर डिडन्ट लाइक अपू ही नेवर गिव एनी बनाना टू अपू वन डे वेन अपू वॉज पासिंग बाय द टेलर शॉप द टेलर टुक अ बिग निडल निडल स्वी जब अपू उसकी दुकान से होकर जा रहा था गुजर रहा था पास से तो उसने क्या करा एक निडल ली अपनी स्वी ली टेलर ने एंड प्रिक्ट हिज ट्रंक अपू क्राइड इन पेन बट ही डिड नथिंग जब उसने स्विच उभोई उसके ट्रंक में तो उसको क्या हुआ पेन हुआ लेकिन उसने कुछ नहीं किया सिर्फ दर्द में चिल्लाया आफ्टर सम डेज वाइल द टेलर वॉज गोइंग होम हिज बैग ड्रॉप्ड द टेलर डिडेंट नोटिस इट द बैग वॉज फुल ऑफ न्यू ड्रेसेस कुछ दिन के बाद जब टेलर घर जा रहा था तो उसका बैग गिर गया उसने ध्यान नहीं दिया अपू ने देख लिया वो बैग क्या था पूरे कपड़ों से भरा हुआ था अपू वॉज स्टैंडिंग नियर बाय अ ट्री ही नोटिस द बैग ऑफ द टेलर विथ हिज ट्रंक ही पिकड अप द बैग एंड वेंट टू द टेलर्स होम उसने क्या करा अपनी ट्रंक से उसको उठाया और जहाँ टेलर का घर था वहाँ पर जाकर के वहाँ चला गया द टेलर वॉज वेरी हैप्पी टू गेट हिज बैग बैग ही फेल्ट वेरी सॉरी फॉर द वे ही हैड ट्रीटेड अपू अब जब अपू ने उसके साथ अच्छा किया उसका बैग उसको वापिस किया तब उसको अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने अपू के लिए बहुत सॉरी फील किया कि उसने उसके साथ बुरा व्यवहार किया था द मॉरल इज वी शुड बी काइंड टू एनिमल्स एनिमल्स के लिए हमें हमेशा अपने अंदर दया रखनी चाहिए द नेक्स्ट स्टोरी इज द फार्मर एंड हिज सन्स once there was a farmer in a village he had four sons they always quarrelled with one another quarrelled means झगड़ा करते so their father was very sad to father kya the bahut udas the kyunki wo mein one day he fell ill he called his sons he asked them to bring a bundle of sticks he told each son to break it break means torna. बंडल ऑफ स्टिक को तोड़ने के लिए कहा नो वन कूड डू सो इट वॉज हार्ड टू ब्रेक ऑल द स्टिक्स टूगेदर सारी की सारी स्टिक्स एक साथ थी, तो कोई भी उनको तोड़ नहीं सका उनको बहुत मुश्किल काम लगा द फार्मर देन ओपन द बंडल ही आस्ट ईच ऑफ हिज सन्स टू पिक अप वन स्टिक ही आस्ट देम टू ब्रेक द स्टिक नाउ ईच सन ब्रोक द स्टिक इजीली इट वॉज इजी टू ब्रेक द स्टिक्स वैन दे वर् सेपरेट सेपरेट अलग अलग होना जब वो अलग अलग The द फार्मर soon. The द सन्स a lesson. दे नेवर quarrelled अगेन जब स्टिक्स को अलग किया बंडल से तो फादर ने दोबारा से बच्चों को तोड़ने के लिए दिया अब इस समय वो काम जैसे वो सेपरेट हो गई थी अलग हो गई थी तो उनके लिए आसान हो गया फादर की डेथ हो गई और अब बच्चों को वो सबक समझ में आया कि फादर ने ऐसा क्यों किया था अब उस दिन के बाद से उन्होंने कभी भी झगड़ा नहीं किया द मॉरल इज देर इज स्ट्रेंथ इन यूनिटी नाउ द थर्ड स्टोरी द माइस एंड द कैट वंस देर लिव अ मर्चेंट इन अ बिग हाउस मर्चेंट मींस व्यापारी स्टोर्ड हिज ग्रेन्स इन अ स्टोर रूम There were many mice in the storeroom they ate a lot of grains every day the merchant was very sad was the merchant udaas tha the, the storeroom grain one day the merchant brought a cat now when the mice came out to eat the grains the cat ran after them

इट वॉक सॉफ्टली सो वी कैन नॉट हेयर इट्स फुट स्टेप्स अब टीनू जो छोटा सा चूहा था उसने क्या कहा अपने फ्रेंड्स से कहा कि अब हम कैसे इससे बच सकते हैं कैसे पकड़ें वो आती भी सॉफ्टली है उसके पैरों की आवाज़ भी नहीं आती है आपने देखा हुआ ना बिल्ली जब आपके घर में आती है तो आपको आवाज़ नहीं आती उसके पैरों की तो ऐसे ही उनको भी पता नहीं चला देन डीपू द यंग माउथ सेट वी कैनॉट डू एनी थिंग द कैट इज बेग एंड वी कैनॉट फाइट विद इट क्या कहा उसने कि बिल्ली बड़ी है और हम उससे झगड़ा नहीं कर सकते जेरी द क्लेवर माउथ सेट लेट पुट अ बेल राउंड हर नेक वेन शी कम्स वी विल हेयर द साउंड ऑफ द बेल एंड रन अवे क्या कहा जेरी ने कि उसके गले में घंटी बांध देते हैं जब वो आएगी घंटी की आवाज आएगी और हम सारे के सारे भाग जाएंगे एवरी वन क्लैबड एंड सेट वेरी गुड आइडिया सबने ताली बजाई और क्या कहा बहुत अच्छा आइडिया है दे स्टार्टेड डांसिंग एंड सिंगिंग देन एन ओल्ड माउस गॉट अप एंड सेट बट विल पुट बेल राउंड द कैट्स नेक नाउ ऑल द माइस बिकेम क्वाइट एट दैट मोमेंट द कैट केम देयर वेन द माइस सॉ हर दे रैन अवे अब जो बूढ़ा चूहा था उसने क्या बोला कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा अगर बिल्ली के गले में घंटी बांधी तो क्या हुआ वो तो खा जाएगी अब सारे के सारे जो चूहे थे वो शांत हो गए और उस समय बिल्ली आई जैसे ही उन्होंने देखा वो सारे के सारे भाग गए द मॉरल इज इट इज ईजी टू से बट डिफिकल्ट टू डू नाउ आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट एंड ऑल्सो इंजॉयड इट नाउ इट्स टाइम टू रिवाइज यू कैन रिवाइज इट